गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। अणोरडियम महतो महियान मीन्स वो आत्मा, अणु से अति सूक्ष्म और महान से अति महान है कठोपनिषद। क्षेत्र क्षेत्र यज्ञो ज्ञानम, क्षेत्र यानी कि देह और क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा, देह और आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है गीता। नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। बारिश तो बहुत हो रही है, मेरे यहाँ तो बहुत हो रही है, आपके यहाँ भी हो रही होगी। ये बादल सब जगह बरस रहे हैं, बहुत बरस रहे हैं। और बताइए, नवरात्र कैसा बीता? बढ़िया रहा? दशहरा अब करवा चौथ आने वाला है, खूब अच्छे से तैयारी करिए। मेरी भी चल रही है, और कल तो मिल नहीं पाया ज़्यादा आपको, जब कंवारी खिला के आए फिर अपना सोस आ गए, क्योंकि बहुत सुबह उठे थे। फिर शाम का थोड़ा सा है क्लिप, इतने समय अचानक मैं देख रही थी, मेरे आँख में पता नहीं क्या हो गया, जब ऐसे करती हूँ तो बहुत दर्द होती है, तो वही देख रही थी यहाँ है क्या, तो फ़ोटो खींच रही थी, फ़ोटो खींच के देख रही थी मोबाइल, ध्यान आया कि अरे अरे ब्लॉग शुरू कर दूँ। आनंद से ही प्राणी उत्पन्न होता है, आनंद में ही जीवित रहता है, आनंद में ही लौट जाता है और लीन हो जाता है। तैतरीय उपनिषद। यो जागार तम्रचह कामयन्ते मीन, जो जागृत है, जिसकी चेतना विवेकशील है, ऋचाएँ उसकी कामना करती हैं। ऋग्वेद सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। मुंडकोपनिषद। कुरूप मन से कुरूप चेहरा अच्छा, जीवन है तो आनंद है, परिश्रम है तो जीवन है, ये महर्षि जी ने कहा है। इच्छाएं दुख का कारण नहीं, उनकी पूर्ति में मानव की असमर्थता दुख का कारण है। जैसा मन होता है उसकी इंद्रियां और शरीर वैसा ही काम करता है, इसलिए मन को संभालने की आवश्यकता है। स्वामी दयानंद। मंदिर गए, मंदिर में कन्या खिलाई, दर्शन करे ढूंढ ढूंढ के, फिर दर्शन करके यहाँ आए, फिर हम लोगों ने नाश्ता पानी करा, फिर हस्बैंड देखने गए, उनकी भाभी एडमिट थी, उनके डेंगू हुआ है। घर वापस आए जल्दी जल्दी, फिर वो तो चले गए, फिर हम लोगों ने खाना ना खाया। अब फिर आई हूँ शाम का खाना बनाने, रोटियाँ सिक रही हैं, सबको लगा दूँ, बज रहा है 8, करते करते 9 हो जाएगा, लेटते लेटते 10 हो जाता है, सोते सोते 11 हो जाता है, इसी तरीके से होगा। अज्ञानी के मन में कामनाएं ऐसे जमा होती हैं जैसे कच्ची छत पे पानी, गौतम बुद्ध। कठोर सीपी के भीतर तरल मोती का निर्माण होता है। अगर सीपी इतनी कठोर एवं निष्ठुर ना हो तो उसमें मोती जैसा बहुमूल्य रत्न उत्पन्न नहीं हो सकता।
इसी प्रकार हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को निष्ठुर होना पड़ता है। अगर व्यक्ति अपने और समाज के प्रति कठोर होगा तो वह कोई भी सशक्त कदम उठा सकता है। भावुक व अकर्मण्य व्यक्ति भावी उन्नति के किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होता। जब तक व्यक्ति अपने और समाज के प्रति उदार एवं भावुक होगा तब तक वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता है। क्या है पता नहीं क्या है। मनहारी बलिहारी अपने और सामाजिक संबंधों का मोह भावी उन्नति में बाधक होता है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में उसे निष्ठुर होने का उपदेश देते हैं। सज्जन कभी भी शोक के समय दूसरे के द्वारा समझाए जाने योग्य नहीं होते, क्योंकि आंधी आने पर भी पर्वत निश्चल होते हैं। अभिरूप भूष्ठा मीन्स जो अपनी विद्वता के कारण दर्शनीय है। सच्ची भलमनसाहत भय रहित होती। इसी अच्छे थॉट के साथ टेक केयर, बाय बाय, सी।